1, 2, 3. कांग्रेस से कुछ नहीं बदलता। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है बातचीत की कला। लोग अक्सर आप कैसे बात कर रहे हैं इसी आधार पर आपका जजमेंट लेते हैं, क्योंकि आपके बहुत क्लोज लोगों के अलावा इस भागम भाग भरे युग में किसी बाहर वाले के पास टाइम नहीं है कि आपके भीतर उतर के देखे। मैं बातचीत के 4 नियम आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि इन 4 नियमों का आपने पालन कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी तेजी से लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे और आपके विवाद कम होंगे। नियम 1, निंदा मत करो, आलोचना मत करो। साथियों, आजकल ऐसा लगता है मानो हर आदमी एक चाकू लेके घूम रहा है सर्जरी करने के लिए, कैंची लेके घूम रहा है। मैं आज आपसे पूछता हूं, बिना कारण आपको किसी की निंदा या आलोचना की क्या जरूरत है? क्यों आप सारी दुनिया को सुधारना चाहते हो? क्यों आप जो मिलता है उसको कोई सजेशन देना चाहते हो? क्यों आप हर किसी में कुछ मीन मेख निकालना चाहते हो? याद रखिए, आज एक बहुत बड़ी सलाह आपको देने जा रहा हूं, जिसको भी ज्यादा सुधारने जाओगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आपकी संतान तक आपको बोल देगी, पापा मैं तो जानती थी आप यही बोलोगे। आपके बच्चे आपको बोल देगी, मम्मी आप यही बोलने ही वाले हो, आप हमेशा ऐसे ही बोलोगे, मैं जानती थी। क्योंकि कोई भी बार बार सुधारा जाना नहीं चाहता। एक बार दो बार उसको ठीक लगता है, उसके बाद उसको भगवान भरोसे छोड़ दो, उसका कुछ नहीं हो सकता। दीवार से जाके सिर फोड़ोगे, दीवार को कुछ नहीं होता, अपना सिर लहूलुहान हो जाता है। इसलिए ज्यादा निंदा मत करो, बल्कि मेरी मानो तो निंदा ही मत करो जब तक कोई इन्वाइट नहीं करेगा आके मेरा ऑडिट करो। तब तक बिना मतलब निंदा ही मत करो, क्योंकि हर दूसरे आदमी की निंदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको खुद मालूम है वो क्या गड़बड़ कर रहा है, उसके बावजूद भी वो गड़बड़ कर रहा है। दूसरा नियम, प्रशंसा जब भी करो सबके बीच में करो, आलोचना अकेले में करो। रीजन, सबके बीच में आदमी को इज्जत बचाने का मौका दो। यदि आपने सबके बीच में गलत सिद्ध कर दिया तो सामने वाला हो सकता है आजीवन आपका दुश्मन हो जाए। कितनी बार छोटे मोटे सामाजिक ग्रुप में, रिश्तेदारों के ग्रुप में मैं बैठा रहता हूं, कई लोग मेरे सामने गलत बात करते रहते हैं, मैं मुंह बंद करके बैठा रहता हूं। मेरी वाइफ मुझसे कहती है, आपको तो पता था वो गलत बोल रहा है, तो मैं अक्सर कहता हूं उसको सही करके मेरे को क्या करना है। वो जिस दिन मेरे पास सही होने आएगा उस दिन मैं सही कर दूंगा। यदि मेरे को वाकई में ऐसा लगा कि ये जो बात बोल रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है और इसका सही होना आवश्यक है, तो मैं उसको अकेले कोने में ले जाके सही करूंगा, सबके बीच में चुपचाप सुन लूंगा। क्योंकि सबके बीच में यदि आपने किसी की इज्जत उतार दी, किसी को अपमानित कर दिया, किसी को लज्जित कर दिया, वो ये बात तो भूल जाएगा कि ये काम आपने उसके भले के लिए किया है, वो जीवन भर आपसे पर्सनल एनिमिटी पाल लेगा। इसलिए प्रशंसा सबके बीच में करो, लोगों को लगना चाहिए अरे वाह ये तो प्रशंसा करने वाला जीव है, सबकी प्रशंसा करता है। और वो व्यक्ति नहीं रहे तो और ज्यादा करो, लोग बोलेंगे आज वो आप पीछे में तारीफ कर रहे थे। क्योंकि कई लोगों को लगता है अरे सामने में तो हर कोई तारीफ करता है, जो पीछे में तारीफ करे वो बड़ा आदमी है, पीछे करो क्या दिक्कत है। तो प्रशंसा सबके बीच में, आलोचना अकेले में। नियम 3, जब भी आलोचना करो, अब जरूरत पड़ी गई कि कुछ करना ही है तो ऊपर और नीचे प्रशंसा का सैंडविच बना लो, जरा पॉजिटिव चीज का सैंडविच बना लो। क्योंकि यदि आप लगातार किसी में उल्टा ही ढूंढते रहोगे और उसके पॉजिटिव को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो वो आपके उल्टे को लेना बंद कर देगा। आप कितने ही अच्छे एडवाइजर क्यों नहीं हो, यदि आपने लगातार किसी की सर्जरी करी तो वो आपकी बेस्ट एडवाइस को भी लेना बंद कर देगा। तो जब भी अपने बच्चे को, अपने जीवन साथी को, नहीं तो आजमा के देख लेना, आज ही जाके अपनी वाइफ या हस्बैंड को 2-3 बार 5 बार एक ही दिन में उल्टा बोल के देखो और देखो शाम को आपके साथ क्या तबाही होती है। और अपने बच्चे को बोल के देखो 2-4 दिन बाद आपका बच्चा आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा, जो स्टाफ 10 साल मुंह नहीं खोला वो पलट के जवाब दे देगा। क्योंकि आप जब आते हैं कोई स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं, आप जब आते हैं कोई कैंची लेके आते हैं, आप ऊपर प्रशंसा करिए, ये काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये भी तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये वाली चीज को यदि थोड़ा सा इंप्रूव कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। बस 1 बार 2 बार 3 बार और 3-4 बार में ना सुधरे ना तो समझ लेना गधा है। और किसी गधे को खूब देर रगड़ रगड़ के घिसने के बाद अचानक आँख खोलने दो, घोड़ा नहीं हो जाता, वो खाली सांप गधा रहता है। ये बात अच्छे से ध्यान रख लो, जिसकी जो काबिलियत है वो एक सीमा तक ही आप इंप्रूव कर पाओगे, उस सीमा के परे वो तभी इंप्रूव होगा जब उसके भीतर, खुद के भीतर बर्निंग डिजायर आएगा। और अंतिम नियम, दुनिया का ग्लोबल नियम, ज्यादा सुनो कम बोलो। भड़बड़िया आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, जो बिना कारण बार बार बोलता है उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होने लगती है
और सामने वाला आपका तभी रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको तभी अपना मानेगा जब आप उसमें रुचि लेंगे। आप उसमें तभी रुचि ले पाएंगे जब उसको ज्यादा बोलने देंगे और खुद कम बोलेंगे। यदि आप एक सेल्समैन हैं, यदि आप किसी भी किस्म की डील कर रहे हैं, यदि आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, ज्यादा सामने वाले को बोलने दीजिए। वो जितना बोलेगा उसके कार्ड उतने खुलेंगे, वो जितना बोलेगा उसके मन की बात उतनी बाहर आएगी, और आप बस हेड नॉड करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सामने वाले को लगेगा मेरे में कितना इंटरेस्ट लेता है। आपको सबसे अच्छा दोस्त कौन लगता है? जो आपकी बातें सुनता है। यदि वो दोस्त ऐसा हो जो बात बात में आपको बोले, अरे यार तू गलत बोला, अरे यार तू फालतू बात कर, थोड़े दिन बाद आप बोलेंगे ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को। आपको भी वही दोस्त पसंद आता है जो लगातार आपकी सुने, वही फैमिली मेंबर पसंद आता है जो बिना दोष निकाले आपकी बात सुने। तो मैं बातचीत का सबसे गोल्डन नियम फिर रिपीट कर दूं, ज्यादा सुनो कम बोलो, मत बोलो नहीं कम बोलो, काम की बोलो, और जब अपनी बात सिद्ध करना और आप वक्ता उस वक्त आप पूरे बोलो, नहीं तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में जब बोलो मिलियन डॉलर छोड़ो, चिल्लर चवन्नी में क्यों दिमाग लगाना। साथियों, यदि आपने बातचीत की कला सीख ली तो सामाजिक लेवल पर, व्यापारिक लेवल पर, व्यावसायिक लेवल पर, कैरियर के लेवल पर आपकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। जैसे जैसे आप लोकप्रिय होंगे, लोग आपकी टीम में आना चाहेंगे, और जितना लोग आपकी टीम में आना चाहेंगे उतनी ज्यादा आपकी सफलता बढ़ेगी। तो फिर से इस अंतिम बात को दोहरा दूं कि चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका स्टाफ हो, कोई भी हो, ज्यादा मत सुधारना, नहीं तो अपने ही घर में आपको वोट देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और साथियों, यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, और यदि आपने लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप तुरंत बेल आइकन को दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।